हरी बोल। मेरा नाम खुशी है, मैं मिथिला प्रदेश के मधुबनी जिले से बिलोंग करती हूँ। मैंने गोलोक एक्सप्रेस को अक्टूबर 2021 में अपनी दीदी रोशनी जी के माध्यम से ज्वाइन किया। गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन करने के बाद मैंने सत्संग से, श्रीमद्भागवतम के सत्संग से, श्रीमद्भगवद्गीता के सत्संग से, होलिस्टिक एजुकेशन के सत्संग से बहुत सारी लर्निंग्स ली और उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बहुत सारी इम्प्रूवमेंट भी देखी। और गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद मुझे बहुत सारे धाम यात्रा करने का भी मौका मिला। तो इस बार हमने नवद्वीप धाम की यात्रा की, जो बहुत ही खास थी, क्योंकि इस बार हमने यह यात्रा अपने स्पिरिचुअल गाइड, फाउंडर ऑफ गोलोक एक्सप्रेस डॉक्टर निखिल जी के साथ और बहुत सारे डिवोटीज के साथ, अपनी फैमिली के साथ करने का मौका मिला। तो ये नवद्वीप की यात्रा बहुत ही खास थी। हमें वहाँ जाने का मौका मिला जहाँ से हरि नाम संकीर्तन स्टार्ट हुआ था। तो सारे मुझे बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस हुए, तो सारे एक्सपीरियंस को मैं एक पोएम के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो मेरे पोएम का टाइटल है नवद्वीप धाम की यात्रा। करी मैंने बहुत सारी यात्रा, करी मैंने बहुत सारी यात्रा, लेकिन ये थी एक दिव्य यात्रा, लेकिन ये थी एक दिव्य यात्रा, नवद्वीप धाम की यात्रा। नवद्वीप धाम की यात्रा कुछ अलग ही है खास बात। नवद्वीप धाम की यात्रा की कुछ अलग ही है खास बात। क्यों? क्योंकि इस यात्रा में स्पिरिचुअल गाइड थे हमारे साथ। क्योंकि इस यात्रा में स्पिरिचुअल गाइड थे हमारे साथ। फिर हमने करी गंगा के उस पार जाने की तैयारी, फिर हमने करी गंगा के उस पार जाने की तैयारी और वहाँ भी हुआ डिवाइन एक्सपीरियंस बारी बारी। भगवान जी ने वही वस्त्र किए थे धारण, भगवान जी ने वही वस्त्र किए थे धारण, आखिर हुआ मेरे रहस्यमय दिव्य स्वप्न के संशय का निवारण। बड़े प्यारे दर्शन हुए श्यामा श्याम के, बड़ी प्यारे दर्शन हुए श्यामा श्याम के, और साथ में अष्ट सखिया पंच तत्व और नरसिंह भगवान के। निमाय जन स्थान में हम सब ने 3 दिन की साधना, उस दिव्य परमानंद की ना कर सके कोई कल्पना। निमाय जन स्थान में हम सब ने 3 दिन की साधना, उस दिव्य परमानंद की ना कर सके कोई कल्पना। नवद्वीप धाम में हम सब पे बरस रही थी कृपा अपार, नवद्वीप धाम में हम सब पे बरस रही थी कृपा अपार, आखिर वो दिन आ गया जिसका हमें था बेसब्री से इंतजार। आखिर वो दिन आ गया जिसका हमें था बेसब्री से इंतजार। उस दिन परमानंद का हुआ दोगुना एहसास, उस दिन परमानंद का हुआ दोगुना एहसास, इस आनंद में शामिल होने आए थे वेस्ट बंगाल धनबाद के डिवोटीज, इसके लिए ही खास। स्पिरिचुअल गाइड, सीनियर गोलोकियंस, गोलोक फैमिली, संग मनाया हमने पिकनिक। स्पिरिचुअल गाइड, सीनियर गोलोकियंस, गोलोक फैमिली, संग मनाया हमने पिकनिक और सीखा हमने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने के बहुत सारे टेक्निक और सीखा हमने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने के कई सारे टेक्निक। उस दिन किए हमने बहुत सारे दिव्य स्थलों के दर्शन, उस दिन किए हमने बहुत सारे दिव्य स्थलों के दर्शन, नाचे झूमे हम सब मिलके कर कर के हरि नाम संकीर्तन, नाचे झूमे हम सब मिलकर कर कर के हरि नाम संकीर्तन। फिर लगी स्पिरिचुअल गाइड के हाथों रज गंगा तट की, फिर लगी स्पिरिचुअल गाइड के हाथों रज गंगा तट की, भक्तों के संग खींची तस्वीर गंगा जी के निकट की। अगले दिन हम सब ने निमाय जन्म स्थान पे दिव्य प्रसाद पाया, अगले दिन हम सब ने निमाय जन्म स्थान पे दिव्य प्रसाद पाया,
भगवत कृपा से मेरी थाली में तुलसी पत्र आया। काजल जी के संग किए श्याम कुंड, राधा कुंड और गुप्त वृंदावन के दर्शन। वहां की असीम शांति का नहीं कर पाऊंगी मैं कोई वर्णन। अत्यंत ही आनंदित हुए भक्त तमाम, अत्यंत ही आनंदित हुए भक्त तमाम, और वही हुआ नवद्वीप धाम यात्रा का विराम, और वही हुआ नवद्वीप धाम यात्रा का विराम। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो अपने मैं भगवान श्री हरि का और अपने स्पिरिचुअल गाइड का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं बस यही कहना चाहूँगी, न शस्त्र पे, न शास्त्र पे, न धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे।